वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो क्रेडो ब्रांड का आईपीओ। गाइस देखिए, जो मुफ्ती जींस बनाने वाली कंपनियां होती है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के शेयरों की लिस्टिंग कल यानी कि मतलब सॉरी जो हमने देखा था तो मतलब आज के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। एंड गाइस देखिए, इस लिस्टिंग पर इन्वेस्टरों को एक डबल डिजिट में मुनाफा भी होगा। गाइस एक्सपर्ट्स लाइक अब कह लो कि जो फाइनेंशियल इसकी स्थिति है, मजबूत ब्रांड इमेज है, शानदार सब्सक्रिप्शन नंबर देखने को मिल रहे हैं, अच्छी वैल्यूएशन है, पॉजिटिव मार्केट है, मार्केट कंडीशन है, इसके चलते ही मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद देखने को मिल रही है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि 21 दिसंबर को लाइक आप कह लो कि 21 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, एक अंतिम दिन था। एंड ये 51.85 गुना सब्सक्राइब हुआ। एंड गाइस इसमें एक नाम ना छापने की शर्त पर बताया गया है कि मुफ्ती के शेयरों की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड दिखी है। गाइस मतलब जो फ्री करके जो पेंट्स होते हैं ना, गाइस ग्रे मार्केट में ये इशू लाइक 80 रुपये के प्रीमियम पे था 26 तारीख को। एंड इस हिसाब से कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 360 रुपये के भाव पे हो सकती है। गाइस अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टरों को कम से कम 28.57% का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड देखा जाए तो स्टॉक्स बॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट जो उनके अकॉर्डिंगली देखिए, स्टॉक्स बॉक्स में 280 रुपये के प्रति शेयर की इश्यू प्राइस से करीब 45% का प्रीमियम पर लिस्ट होगा। गाइस उन्होंने अगर देखा जाएगा तो कंपनी के जो क्वालिटेटिव एडवांटेज में जिस डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेज में रैली है, एक बहुत मजबूत ब्रांड इक्विटी है, बिजनेस मॉडल की जो रिस्क है वो भी एक अच्छे सुरक्षा में देखने को मिल रहे हैं। एंड स्केलेबल और एसेट लाइट में भी एक मॉडल पर काम करते हुए नजर आ रही है। एंड कैपिटल इन्वेस्ट के साथ साथ भी ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के वाइज देखा जाए तो प्रेसिडेंट सरल सेठ है जो इंडेक्स सिक्योरिटी के रिसर्च एनालिसिस है जन्म शाह, उनका मानना है कि क्रेडो को 350 रुपये पर लिस्ट होना चाहिए। एंड इशू प्राइस इसका कम से कम इसका अधिक जो रहना चाहिए वो 25% का रहना चाहिए। गाइस देखिए, इस आईपीओ को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। एंड ये 51.85 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के हिस्से में अगर देखा जाए तो जो QIB कहते हैं जिनको, उनको 104.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एंड NII को गाइस उनको 51 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल इन्वेस्टर को 19.94 गुना भरा हुआ मिला है। तो गाइज मैं आपको इतना कहूँगी, आज के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली तो उसको प्लीज़ रडार लेवल पर रखिएगा, नज़र बना कर रखिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।